राम राम किसान मित्रों, हम अपने उस खेत में आए हैं जिसमें हमने 52 सरसों लगा रखी है। ये हमारा वही खेत है और इस सरसों को आज 100 दिन पूरे हुए हैं और इसकी क्या स्थिति है यही हम जानेंगे। तो देखिए, लगभग जो है फूल कुछ कुछ बचे हैं, बाकि लगभग फूल झड़ चुके हैं और जो ये फलियां हैं इसमें सरसों के दाने भी अच्छे खासे बनने लगे हैं। ऊपर की तरफ से जो देखा जा रहा है इसमें कुछ कुछ में बाकी है, तो अभी कुछ फूल भी बाकी हैं, बाकी सरसों के दाने भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। नीचे की तरफ देखा जाए तो काफ़ी अच्छे दाने बन भी चुके हैं और इसमें किसी प्रकार के रोग की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिख रही है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, माहू चेपा इत्यादि की कोई समस्या इसमें नहीं दिख रही है। अगर माहू चेपा लगते हैं तो उसकी दवाएँ डालनी पड़ेंगी, जिनकी पिछड़ी हुई सरसों है। जैसे कि ये बगल में हमारी ये सरसों है, भी आप देख सकते हैं इसमें फूल आने शुरू हुए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बाद में इसमें माहू लगने की समस्या देखने के लिए हमें मिल जाएगी। तो माहू के लिए क्या क्या दवाइयाँ होंगी वो हम आगे आपको बता देंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम अपने 52 की स्थिति के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस जो आधा एकड़ हमारा खेत है उसमें हमने सिर्फ 422 ग्राम ही सरसों की बुआई की थी, और इस हिसाब से अगर हम अपने पौधों को दिखाएं तो जिस हिसाब से खेत काफ़ी खाली था, लेकिन इस समय देख लीजिए आप, इसमें आदमी घुस करके कोई छिड़काव का काम भी नहीं कर सकता है, इतनी ज़्यादा सघन हो गई हैं और कल्ले तो काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। तो एक पौधे में कितने कल्ले निकले हैं इसके लिए हम थोड़ा अंदर चलेंगे और आपको दिखाएँगे। जैसा कि मैंने जो पायनियर की 45 से 46 ही उसमें भी दिखाए थे कितने कल्ले थे, और यहाँ पर भी मैं अंदर चल करके इस तार से आपको दिखाता हूँ। तो हम खेत में एंट्री कर लिए हैं और अब हम साइड में चल करके एक पौधे के कल्लों की हम जो है वो दिखा देते हैं आपको। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितने कल्ले हैं, तो पहला कल्ला एक, उसके बाद दो, एक तीन, एक चार, एक इसके पीछे भी है यहाँ पर पाँच, एक छः, एक सात, सात आगे बढ़े हैं आठ, आठ के एक बाद नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और चौदह। तो मेन कल्लों तक देखा जाए तो 14 कल्ले हैं, और इसमें कल्लों के अंदर भी जैसे देखा जाए कुछ कुछ कल्लों में सब ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाता है। इसमें 14-14 कल्ले हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई ये एक पौधा ही नहीं है, इसके लगभग पौधों में काफ़ी अच्छी हमें जो है वो कल्ले का फुटाव देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप इस पौधे को भी देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें फुटाव हुआ है, तो हम कह सकते हैं। और तुलना तो हम बाद में करके दिखाएंगे कि कितना हमारा उत्पादन होता है। और आपको आपको एक बात बता दूं कि इसके कुछ पत्ते तो आपको तोड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे पीले हैं, ये छूते ही गिर गए। ये देख लीजिए, ये है, ये है। तो इसमें हम लोग क्या है कि जानवरों के लिए चारे के लिए ऐसे पत्तों को तोड़ लेते हैं, तो इस हिसाब से चारे में भी काफ़ी अच्छा काम किया है इसने। और फाइनल प्रोडक्शन जो आएगा वो हम आपको बताएंगे, दोनों का कंपेरिजन में हमें कौन सा बेहतर मिलता है, 45 से 46 ज़्यादा बेहतर निकलती है या PA 52। आपको बता दें, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस खेत में दो ही सिंचाइयाँ इसमें भी हुई हैं, दो ही उसमें हुई हैं। पर आपको एक बात बता दें कि इसमें हम सल्फ़र डालना भूल गए थे, और अब से मैंने कहा था कि इसमें स्प्रे करवाएंगे, लेकिन स्प्रे नहीं करवा पाए क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा नहीं था और फिर लेबर भी ज़्यादातर जो थे गेहूं में खरपतवार नाशक छिड़काव करने में बिजी थे, और हम भी दुकान से थोड़ा फ्री नहीं थे और थोड़ा बाल तोड़ भी हो गया था, जैसा मैंने आपको जानकारी दे रखी है। तो उस वजह से मैं स्वयं भी नहीं आ पाया था छिड़काव करने के लिए। अच्छा, दूसरी बुआई में और खाद ज़्यादा मैंने दी नहीं है, जितनी बताई उतनी ही दी है और समय समय पर आपको वीडियो दी है। तो आगे की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको जल्द से जल्द, जैसे ही ये पक करके तैयार होती है, कटाई होगी, उसकी वीडियो और जो फाइनल प्रोडक्शन आएगा उसकी वीडियो हम आपके लिए ले करके ज़रूर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान।